अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर उमर सैयद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है बराइटा काप। तो दोस्तों, बराइटा काप के क्या क्या सिम्टम होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं, और इसको जो है किस किस बीमारियों में जो है यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करने का क्या तरीका होता है, और इसे किस पोटेंसी में जो है यूज़ किया जाए, उसके बारे में जो है डिटेल में आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और जो भी दोस्त पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए लाल कलर का बटन दबा के, उसके बाजू में घंटी लगी हुई है उसे भी दबाइए, ताकि जो है आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, बराइटा काप जो है एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसे जो है बच्चों में यूज़ किया जाता है, और जो बुजुर्ग होते हैं उनमें भी जो है इसे यूज़ किया जाता है, और बच्चों में जो है इस दवाई का यूज़ किया जाता है जहाँ पर बच्चों के अंदर जो होता है फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, और उसी के साथ में मेंटल भी वीकनेस होता है, यानी कि पेशेंट जो है मानसिक तौर से भी जो है उसका ग्रोथ नहीं हुआ होता है। अगर बच्चे की उम्र जो है 10 साल की होगी तो बच्चा जो है 3 से 4 साल के जो है उसका बिहेवियर पैटर्न होता है, तो इसे जो है हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, यानी कि बच्चे का जो है मानसिक ग्रोथ जो है, जो दिमागी ग्रोथ होता है वो प्रॉपरली नहीं हुआ होता है, और इसी के साथ में जो बच्चे का पेट होता है वो फुला हुआ होता है। और बराइटा काप जो है ड्वार्फ बच्चे जितने भी होते हैं, यानी कि जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है या कम हाइट के होते हैं, उनमें भी जो है इसे यूज़ किया जाता है। और बराइटा काप के जितने बच्चे होते हैं वो कोल्ड से जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ठंडी चीज़ों को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और उनके जो है टॉन्सिल्स काफ़ी ज़्यादा सूज जाते हैं, और टॉन्सिल के साथ में जो ग्लैंड्स होते हैं स्पेशली लिम्फ नोड्स, उसमें भी जो है पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द वगैरह का एहसास होता है, और वो भी जो है सूज जाते हैं। अगर हम बुजुर्ग मरीजों की बात करें जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो गई है, तो उन केसेस में जो है, या पेशेंट को जो है हार्ट की तकलीफ है, या जो है दिमागी तौर से पेशेंट जो है परेशान है, तो उन केसेस में जो है बराइटा काप को अफेक्टिव तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। जैसे कि पेशेंट को हार्ट के अंदर एन्यूरिज्म की प्रॉब्लम है, या जो है हार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है, पूरी तरह से जो है ब्लड को जो है पंप नहीं कर पाता है बॉडी में, तो उन केसेस में जो है बराइटा काप को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इसके माइंड के सिम्टम्स के ऊपर, यानी कि इसके मेंटल सिम्टम्स के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर जो है चाइल्डिश बिहेवियर होता है पेशेंट्स का, और उसी के साथ में जो है पेशेंट का जो मेमोरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, यानी कि पेशेंट को याद रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी कि भूलने की बीमारी पेशेंट को ज़्यादा होती है। इसी के साथ में जो है पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी कम हो जाता है। और बराइटा काप का जो है एक टिपिकल सिम्टम है कि ये जो पेशेंट होता है ये स्ट्रेंजर से जो है बात नहीं करते हैं, स्ट्रेंजर से जो है दूर भागते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसके हेड और नोज के सिम्टम के ऊपर। तो दोस्तों, बराइटा काप का जो पेशेंट होता है जब भी वो धूप में जाता है तो उसे जो है चक्कर आने चालू हो जाते हैं, और उसी के साथ में जो है सर में हल्का हल्का सा जो है हेवीनेस फील होता है, दर्द सा जो है पेशेंट को महसूस होता है, और पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड से, तो वो जो है ठंडी चीज़ों को भी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसके वजह से जो है पेशेंट को रनिंग नोज़ वगैरह स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कोराइज़ा कहते हैं। और जो पेशेंट का जो म्यूकस होता है नोज़ के अंदर वो पूरा येलोइश टाइप का होता है, और जब ये म्यूकस पूरी तरह से सूख जाता है तो क्रस्ट फॉर्म हो जाता है नाकों के बाहरी हिस्से में, और जब पेशेंट इसे कुरेदने की कोशिश करता है तो पेशेंट को एपिटेक्सिस वगैरह, यानी कि नाक से जो है खून वगैरह भी पेशेंट को आता है। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इसके थ्रोट के सिम्टम्स के ऊपर, यानी कि गले के इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों, बराइटा काप जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ठंडी चीज़ों से, तो जब भी ये ठंडी चीज़ें ले लेगा तो उसके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो सूज जाते हैं, और पेशेंट को जो है निगलने में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। टॉन्सिल जो है इतने सूज जाते हैं कि उसके अंदर जो है पस फॉर्मेशन भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट पानी के अलावा जो है कुछ भी चीज़ों को जो है निगल नहीं पाता है, और थ्रोट में जो है एक तरह का कंजेशन जो है पेशेंट को फील होता है।
और पेशेंट को ऐसा लगता है कि गले में जो है कुछ अटका हुआ है, और पेशेंट को जो है लैरिंग्स के अंदर भी जो है ऐसा लगता है पेशेंट को कि स्मोक से जो है यानी कि जो धुआं होता है वो गले के अंदर जो है भरा हुआ है। पेशेंट को चॉकिंग सेंसेशन होता है यानी कि सांस लेने में जो है पेशेंट को दिक्कत होती है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसके स्टमक के सिम्टम के ऊपर। तो दोस्तों पेशेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है खट्टी डकारें वगैरह आती हैं, और जो है पेशेंट को भूख तो लगती है लेकिन जो है खा नहीं पाता है। क्योंकि जब भी पेशेंट खाना खाता है तो उसके जो है एपिगैस्ट्रिक रीजन पे यानी कि जो है छाती के ऊपरी हिस्से पे जो है दर्द होना चालू हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है पेशेंट फूड को जो है अवॉइड करता है। और इसके साथ में जो है पेशेंट का जो पेट होता है वो फूला हुआ होता है, पेट में जो है कुली की टाइप का जो है पेन होता है, स्पेशली एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को दर्द वगैरह होता है, और पेशेंट को जो है इसी के साथ में जो है कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है। पेशेंट की जो लैट्रिन होती है काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है लैट्रिन को पास करते वक्त, और इसी के साथ में जो है पेशेंट को कभी कभी जो है ब्लीडिंग वगैरह भी होती है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में। बराटा का पेशेंट का जो कफ होता है वो मोस्टली ड्राई होता है और सफोकेटिंग टाइप का होता है, यानी कि पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। छाती में जो है काफ़ी ज़्यादा म्यूकस तो होता है लेकिन जो है वो उस जो कफ होता है उसको वो बाहर नहीं फेंक पाता है, यानी कि कफ के रूप में वो जो है वो बाहर नहीं आ पाता है। लंग के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होता है जिसकी वजह से जो कफ होता है वो बाहर नहीं आ पाता है, और जो छाती के अंदर कफ बनता है ये वेदर चेंज हो जाने की वजह से जो है पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसी के साथ में जो है पेशेंट का जो विंड पाइप होता है उसमें जो है पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके अंदर जो है धुआं भरा पड़ा है जिसकी वजह से जो है पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बराटा काप जो है प्रोस्टेट के केस में भी जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है, ये उन केसेस में यूजफुल है जहाँ पर पेशेंट का जो प्रोस्टेट होता है काफ़ी ज़्यादा सूझ जाता है जिसकी वजह से जो है पेशेंट को पेशाब करने में दिक्कत होती है, और पेशाब करने के बाद भी जो है पेशेंट को ऐसा लगता है कि पेशाब जो है पूरी तरह से हुआ नहीं है, पेशेंट को जो है बार बार जो है पेशाब जाना पड़ेगा। तो इन केसेस में भी जो है ब्रेटा का आपको जो है इफेक्टिव तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। और प्रोस्टेटिक कंप्लेन की वजह से जो है पेशेंट को सेक्सुअल वीकनेस भी आता है जिसमें प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की समस्या होती है या जो है इरेक्शन की तकलीफ होती है। तो प्रोस्टेट की कंप्लेन की वजह जो है पेशेंट को जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होते हैं वो बराटा काप से जो है ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं इसके मॉडलिटीज़ के ऊपर, यानी कि पेशेंट के जो सिम्टम होते हैं वो किन किन चीज़ों से जो है बढ़ या घट जाते हैं जिसे हम एग्रीवेशन या एम्यूलोरेशन कहते हैं। तो दोस्तों बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचने से या जहाँ पर पेशेंट को दर्द हो रहा है उस साइड में लेटने से पेशेंट के जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और अगर पेशेंट जो है खुली हवा में चले जाए तो पेशेंट के सिम्टम जो है वो कम हो जाते हैं, तो जिसे हम एम्यूलोरेशन कहते हैं। और बराटा काप को जो है हम थर्ड पोटेंसी से लेते हुए इसे जो है 1M पोटेंसी तक जो है यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो बराटा काप के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाजू में घंटी लगी हुई है उसे भी दबाइए ताकि जो है आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद जय भारत।